राधे कृष्णा, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो का पूरा देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक मैसेज दे देना चाहता हूँ। देखिए, कुछ लोग मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पेशेंट ऑलरेडी ट्रीटमेंट हमसे ले रहे हैं, तो कुछ पेशेंट मेरे से बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो यूट्यूब पर भी कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने 3 दिन हो गए मेरे को मैसेज किए हुए हैं, बट आपने अभी तक मेरे से बात नहीं की। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप सही नंबर पर मैसेज नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर आपके पास में 4 नंबर है ना। एक तो मेरा पर्सनल नंबर है, एक वो नंबर है जिस पर आप पे करते हैं, और 2 नंबर असिस्टेंट के, तो उनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो जब भी आप मैसेज कर रहे हैं तो जिस नंबर के पीछे 3-1 है लास्ट में, जिससे मैं कॉल करता हूँ आप लोगों को, उस पर आप मैसेज किया करें। अच्छा, दूसरी बात, अगर उस नंबर पर भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, तो आप जैसे मैं यूट्यूब पर कमेंट पढ़ता हूँ आप लोग के ना, तो आप अपने नंबर के 5 डिजिट मुझे यहाँ पर मैसेज कर दिया कीजिए, आपके नाम के साथ और आपकी जगह के साथ, कि आपका नाम क्या है और आप कौन बोल रही हैं, है ना। जब आप मैसेज कर रहे हैं कि मेरी आपसे बात नहीं हो पा रही है, मुझे 3 दिन हो गए मैसेज करते हुए, तो आपका नंबर के लास्ट के 5 डिजिट लिखिए। अगर आपके पास में आपका फाइल नंबर है, वैसे तो आपका पास में आपका फाइल नंबर होगा नहीं, क्योंकि हम आपको वो देते नहीं है, क्योंकि कई बार आप मिस कर देते थे उसको, तो अभी वो हम अपने पास में रिकॉर्ड रखते हैं, तो आपके पास में फाइल नंबर तो नहीं होगा आपका, बट आपके नंबर की लास्ट की 5 डिजिट, आपका नाम और आप किस जगह से हैं, आप बस इतना लिख के मैसेज कर दीजिए हमें, तो हम आपको जैसे मैं कमेंट सीन करूँगा, मैं फ़ोन में से आपके नंबर को निकालूंगा और मैं आपको कॉल लगा लूँगा। इतना करना है केवल आपको, ठीक है, तो आप परेशान ना हो। तो चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कमेंट लेता हूँ, और कमेंट लेने के बाद में फिर मैं आपसे उस पर डिस्कस करूँगा कि आप अपने पिगमेंटेशन को जल्दी कैसे ठीक कर सकते हैं। जी मैम, नमस्ते। मैंने आपसे ये बात कर ली थी कि पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, और मुझे पहले से काफ़ी फ़र्क है, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो लेकिन अभी पिगमेंटेशन प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, तो जैसे घी लगाना मैंने जब से स्टार्ट की है, तब से स्किन थोड़ी मतलब क्लियर है पहले से ज़्यादा ना, जैसे जहाँ पर पिगमेंटेशन नहीं था वो स्किन और भी जैसे साफ, जैसे सिर्फ चेहरा साफ हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन जो ब्लैमिशेज हैं घी लगाने से, वो भी काफ़ी लाइट हुए हैं। मेडिसिन तो अभी चल ही रही है मेरे साथ में, मुझे लगभग 6 to 7 मंथ हो गए मेडिसिन लेते हुए ना। तो मैं आपको फ़ोटो भी भेज देती हूँ मैम, आप देख लो कि डिफरेंस पहले में और अभी में कितना है। मुझे तो लगता है ऐसे 20 to 25% जैसे अभी रह गई है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाए आप मुझे उसके लिए बता दें कि कितने टाइम और मेडिसिन लेनी होगी और कब तक ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगेन ये ना एक जगह पे आके रुक गई है, पहले भी ऐसे हुआ था, फिर थोड़ी सी ठीक हुई थी, लेकिन अगेन ऐसे हो रहा है कि जैसे ना रुक सी गई है। निशान किसी चीज़ के रहते हैं ना, जैसे निशान से रह गए, मुझे ऐसे लग रहा है। आपको मैं फ़ोटो भेज देती हूँ, आप देख लीजिए, उसी के हिसाब से आप मुझे गाइड करें कि कब तक ठीक होगा और कब कितनी और मेडिसिन लेने की ज़रूरत है मुझे, ठीक है जी। ओके मैम, जैसे चिक्स पे है, अपर लिप्स पे थोड़ी सी है, और नोज़ पे थोड़ी सी निशान जैसे दिख रहे हैं ना आपको पिक्चर में, तो ऐसे है, आप देख लीजिए। और घी लगाने से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, घी लगाने से ऐसे पूरी स्किन जैसे फेस की ना सॉफ्ट सी हो गई है पहले से, और जब स्किन सेंसिटिव थी, जब बहुत कोई भी क्रीम अगर लोशन या मॉइस्चराइज़र भी अगर यूज़ करती थी, तो भी ऐसे ना इरिटेशन से इरिटेट हो करता था स्किन को, जलन सी जिससे होती थी। अभी ऐसी कुछ भी नहीं है, और अभी मैं कुछ लगा भी नहीं रही हूँ फेस पे, ओनली घी का इस्तेमाल कर रही हूँ रात को, और दिन के टाइम जैसे अगर घर में रहती हूँ तो एलोवेरा जेल कभी कभार यूज़ कर देती हूँ, वो भी घर की मुझे सूट नहीं करती है, पैकिंग में जो आती है बस, इसके अलावा फेस पर कुछ नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑडियो क्लिप है, ये आपको समझाने के लिए ही काफ़ी है कि उन्होंने क्या किया। देखिए, इनको लगभग 7 महीने हो गए, 6-7 महीने उन्होंने बताया, और इनको उन्होंने कहा कि मेरा 20 से 25% अभी रहता है, यानी कि 7 महीने में 75% इनका ठीक हो चुका है। अब ये सारे क्रीम छोड़ चुकी हैं, पहले इनका चेहरा सेंसिटिव था, यानी कि अगर कोई भी मॉइस्चराइज़र भी लगा रही है ना, तो तब भी इनका चेहरा जल रहा था, बर्निंग कर रहा था, लेकिन अभी वो नहीं है। आप में से कई लोगों के साथ में ये समस्या होगी कि उनका चेहरा सेंसिटिव है, वो जलता है,
मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक आपका चेहरा सेंसिटिव रहेगा आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं कर सकता कोई भी, वो होगा ही नहीं क्योंकि नेचर इसका परमिशन नहीं देता कि आप सेंसिटिव स्किन को ठीक करें। तो सेंसिटिव स्किन को ठीक करने के लिए हमने आपको ट्रीटमेंट से भी पहले हमने आपको बताया कि देसी घी आप लगाइए। आप अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे ना जो शुरू में मैंने अपलोड किए हैं, मतलब सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था तो सबसे शुरू में मैंने आपको देसी घी ही बताया था कि भाई जिसको भी पिगमेंटेशन है वो आप देसी घी लगाइए, और जितने भी लोगों ने अपने चेहरे को ख़राब कर लिया है स्टेरॉइड से वो देसी घी लगाइए। देसी घी तो आप अपने पूरे शरीर पर लगा सकते हैं पूरे शरीर को गोरा करने के लिए, तो आप ये लगाइए। और विंटर्स में तो बहुत अच्छी बात है कि विंटर्स में अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि देसी घी मैं बहुत अच्छी क्वालिटी वाला आपको अभी विंटर्स तक मैं अवेलेबल करा दूँगा, तो विंटर्स में सबसे अच्छा सीजन है आपको घी लगाने का, ठीक है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे और देना चाहता हूँ मैं आपको। अभी जो मौसम आ रहा है, जबकि अभी ये जो मौसम है इस मौसम में तो आप जूस पी सकते हैं अगले 2-3 महीने और, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर तक आप ये नीम वाला जूस पी सकते हैं, तो आप इसको पीजिए, लीवर में आपके बहुत अच्छी ठंडक पहुँच जाएगी और आपका पित्त बैलेंस हो जाएगा। फिर विंटर्स में हम आपकी टोटल डाइट चेंज करेंगे ताकि विंटर्स में जितने भी लोगों को फ़र्क स्लो मिल रहा है ना उनका फ़र्क भी बहुत तेज़ी से मिल सके, क्योंकि विंटर में आप काजू बादाम छुआरे ये सब खा सकते हैं। आप विंटर्स में आप जो भी चीज़ें मैं आपको खाने के लिए बताऊंगा उनको आपने सेवन करना है और आपके त्वचा के अंदर कोलेजन को बूस्ट करना है। विंटर्स के अंदर हमें ये लाभ मिलता है कि गर्मियों में हमारा कोलेजन इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता जितना हमारा सर्दियों में बढ़ जाता है एकदम तेज़ी से, तो हमें सर्दियों का भी लाभ उठाना है आपके पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, ओके। तो उसका लाभ उठाने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। जैसे आप में से कई लोग, आज मेरे एक पेशेंट से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सर मैं इस मौसम में अपने काजू बादाम छुआरे खा रही हूँ। मैंने बोला ये मौसम तो गलत है, हम तो आपके गर्मी को शांत करना चाह रहे हैं जो शरीर के अंदर आपके एक्सेस में, आप उसको बढ़ाए चले जा रहे हैं, अभी आप जूस लें, है ना, तो आपने ये काम अवश्य करना है। तो इन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि इनकी पिगमेंटेशन रुक गई है भी अभी अभी लगभग 75-80% की ठीक हो गई है और अभी रुक गई है, पहले भी ऐसा हुआ था कि बीच में एक बार रुक गई थी फिर दोबारा वो ठीक होनी शुरू हुई, अभी फिर से रुक गई है। तो ये जो इफ़ेक्ट है ये इस वाले मौसम का इफ़ेक्ट है, यानी कि इसको ह्यूमिडिटी वाला मौसम कहते हैं, इसका इफ़ेक्ट है। इस मौसम में जितने भी लोगों की स्किन अभी अपने प्रॉपर फंक्शन में नहीं आई है, यानी कि अपने 100% फंक्शन में नहीं आई है, उन लोगों की सबकी स्किन हल्की सी डल उनको नज़र आएगी, बट अभी आपकी स्किन मुझे लगता है कि अपने प्रॉपर फंक्शन में है, यानी कि जो सेंसिटिव स्किन थी वो आपकी वो ख़त्म हो गई है। सेंसिटिव स्किन ख़त्म होने के साथ में आपकी त्वचा भी थोड़ी थिक हुई है, कहते हैं कि त्वचा पतली हो गई है क्रीम लगा लगा के, तो आपकी ऊपर की त्वचा भी ख़राब हो जाती है, वो अंदर की लेयर भी ख़राब हो जाती है, वो तो बचती नहीं है। तो अभी आपको कोलेजन भी है स्किन के अंदर क्योंकि आपकी त्वचा में जलन होना बंद हो गई है, आपकी ऊपर की स्किन भी रिपेयर है, 80% आपको आराम है, ओवरऑल आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो क्लियर हो गया है, जो पिगमेंटेशन के अलावा भी जो जगह थी वो भी आपकी क्लियर हो गई है, देसी घी लगाने से आपको बहुत लाभ मिला। तो आगे अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे 2-3 महीने और, तो जो हल्के फुल्के जो निशान बचे हुए हैं वो प्रॉपरली आपके ख़त्म हो जाएंगे। और विंटर्स में जो आपको डाइट बताएंगे उस डाइट के साथ आप चलेंगे तो जितने भी वो निशान आपको बता रही हैं अपर लिप्स पर, चिक्स पर, वो थोड़े थोड़े हल्के हल्के निशान, हल्के हल्के स्पॉट रह जाते हैं कि हाँ अभी यहाँ बचा हुआ है लेकिन थोड़ा सा दिखता भी नहीं है वो, तो वो भी आपका पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब क्या, अब कुछ लोगों के मन के अंदर ये डर रहता है कि डॉक्टर साहब ख़त्म तो हो जाएगा, लौट के तो नहीं आएगा। अभी आप देखिए, आप में से जितने भी लोग हमसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको सबको पता है कि उनका चेहरा कैसे ठीक हुआ है। उनका चेहरा ऐसे ठीक हुआ है कि पहले शुरू के 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने इवन 5 महीने शायद उनको फ़र्क न लगा हो, लेकिन उसके बाद में जो उनको फ़र्क लगना शुरू हुआ वो बहुत अच्छे से फ़र्क लगा, क्योंकि शुरू के जो 2-3-4 महीने होते हैं एक तो अपर लेयर उससे रिपेयर होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी स्किन सेंसिटिव है तो 2-3 महीने तो उसकी सेंसिटिव को ख़त्म करने में लग जाते हैं, कोलेजन बनता है, आपका पित्त बैलेंस होता है, अगर आपकी स्किन एक्टिव नहीं है तो वो एक्टिव होती है, स्किन अपने प्रॉपर फंक्शन में आती है, पसीने वाली ग्रंथियाँ सक्रिय होती हैं, तेल वाली ग्रंथियाँ सक्रिय होती हैं, हमें इतने सारे काम आप लोगों के साथ में एक साथ करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम आपसे मांगते हैं कि कम से कम तो 3 महीने हमें दीजिए ताकि आपकी स्किन इम्प्रूव हो और आपके मतलब आपकी स्किन ओवरऑल इम्प्रूव हो, अंदर से इम्प्रूव हो, और जो आपको अंतर नज़र आए कि आपकी पिगमेंटेशन फट रही है, लाइट हो रही है, वो कम से कम 3 महीने के बाद में आपको जाके मिले। ये
जो मौसम आगे आने वाला है इसमें आप अपनी स्किन में सुपर शाइनिंग लेके आ सकते हैं विंटर्स के मौसम में, क्योंकि इसमें कोलेजन आपका बहुत अच्छे से बढ़ेगा। ओके, तो इस मौसम को आप जाने मत दीजिएगा, लेकिन उसकी तैयारी आज से ही शुरू करनी है आपको। जो मैंने जूस बताया है वो, जो मैंने आपको विटामिन सी, इवियन, लिम्सी आपको बताया है वो, ये सभी चीज़ें आपने लेनी है। ये लेने के बाद में जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत फास्ट हुए हैं, और आप लोग भी तो यही चाहते हैं कि ना हम सही तरीके से ठीक हों, नेचुरल तरीके से ठीक हों, 100% ठीक हों, और ऐसे ठीक हों कि हमारी पिगमेंटेशन लौट के ना आए। जी हाँ, तो वो यही जगह है जहाँ पर आपके पिगमेंटेशन को इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। हमारा जो एम है वो ये रहता है कि हम आपके शरीर को फिट कर दें। जब आपका शरीर फिट होगा आपका पिगमेंटेशन अपने आप चला जाएगा। ठीक, हमारा मुख्य एम यही रहता है। हमारा एम ये नहीं रहता है कि हाँ आपकी त्वचा के अंदर कोलेजन तो बनानी है और हमने आपका पिगमेंटेशन कर दिया ठीक। अब आप खुद सोचिए कि आपकी त्वचा के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो नहीं है, और आपने पिगमेंटेशन को कर दिया ठीक, वो चाहे किसी भी तरह से किया हो, चाहे क्रीम लगा के किया हो, या कोई अंग्रेजी दवाई खा के कर लिया हो, या फिर किसी भी डॉक्टर ने आपको वो कर दिया हो, तो क्या वो लंबे समय तक टिकेगा? वो टिकने वाला नहीं है। आपको ट्रीटमेंट छोड़ते ही 10-12 दिन में वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि अधिकतर क्रीम के साथ में होता है कि क्रीम छोड़ते ही आपका पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, इसलिए। तो ये कारण है, ये वजह है इसकी। तो सबसे पहले हम उन वजहों को ठीक करते हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आपका ठीक ही नहीं होता। तो वो वजह है आपकी विंटर्स में, एक कोलेजन वाली वजह है आपकी विंटर्स में, बहुत तेज़ी से वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, और आपकी त्वचा सुपर डुपर हीट हो जाएगी। ये तो चाहते हैं ना आप। ये मैंने आप लोगों की ही स्टोरी बताई है कि आप लोगों के साथ में ऐसा होता है और आप इसको ठीक करना चाहते हैं। ओके, तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल लगा के पूछ सकते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है, आप ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं। और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं फ़िलहाल, तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जैसे देसी घी हो गया, वो सुबह का लार कोकोनट ऑयल हो गया, और वो जूस हो गया, ये आप ले लीजिए। जब इनसे आपको फ़र्क लगना शुरू हो जाए उसके बाद में फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको ये चीज़ ले रहे हैं और आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा, तब भी आप ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका ये डेफिनेटली जाएगा। लेकिन तैयारी तो आपको करनी ही होगी ना, और सही तरीके से। शॉर्टकट मत लेना किसी भी चीज़ का। शॉर्टकट से आज तक कुछ भी हल नहीं हुआ, ना तो पढ़ाई में हुआ, ना खेल कूद में हुआ, ना किसी भी चीज़ में हुआ। पहले से तैयारी करनी पड़ती है। देखो, अगर कोई माँ चाहती है कि उसके पास में एक बच्चा हो, तो एक शॉर्टकट तो यह है कि वो किसी के बच्चे को गोद ले ले, ठीक है, एक शॉर्टकट तो यह है। या फिर एक शॉर्टकट ये है कि बच्चे की परवरिश 9 महीने अपने पेट में करें। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि नहीं 9 महीने क्यों वेट करना, हम तो 1 महीने में बच्चे को बाहर निकाल लेंगे, पॉसिबल नहीं है। नेचर के साथ चलना है ना। तो नेचर ने कुछ अपने कोर्स तय किए हुए हैं, है ना, जो कि यूनिवर्सल होते हैं। तो स्किन के भी कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं, आपके शरीर को ठीक करने के भी कुछ नियम हैं। उस नियम के अनुसार आप चलेंगे, और आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप डाइट प्लान अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया, और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिल भी गई होगी। चलिए, प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करें।